Hello students, welcome back to the lecture series by Biogenesis. In this lecture, we will be discussing about the auxin signaling. What is the actual meaning of the word auxin signaling? Auxin signaling ka exact matlab hai that how does auxin enter into a plant cell? Aur plant cell mein entry ke baad, how does a particular cell show a particular response? We have read several times ki auxin can perform this function on plant cell. Auxin can do this thing to plant cell. Elongation karva sakta hai. It can result in apical dominance. N number of phenomena. Those are physiological responses of auxin. And there must be certain genes present inside the plant cell called as auxin response genes. But auxin response genes are not always active. Wo hamesha active nahi hai. When auxin will be there in the plant cell or it will enter into the plant cell, then the auxin signaling or physiological response will start. And if auxin is not there, then the auxin signaling response is not going to happen. In every signaling mechanism of plant physiology, there will be a main actor and there will be something called as a villain of signaling, called as repressor. Meaning the receptor is something, receptor matlab auxin ka entry plant cells mein hua. और वो रिसेप्टर ऑक्सिन को न्यूक्लियस तक एंट्री दिलवाएगा. न्यूक्लियस में प्रेजेंट एक रिप्रेसर सिग्नलिंग का एक इनहिबिटर है. दैट सिग्नलिंग विल नॉट बी स्टार्टेड इफ द रिप्रेसर इज फुली फंक्शनल. वी विल अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक्स. और एवरी सिग्नलिंग मैकेनिज्म ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी विल हैव टू मेन फिगर. व्हाट विल हैपन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ प्लांट सेल व्हेन द हार्मोन इज नॉट देयर. जब हार्मोन यूजुअली नहीं है तो सिग्नलिंग क्यों नहीं हो रही है. एंड व्हेन द हार्मोन एंटर्स इनटू द प्लांट सेल तो रेस्पॉन्स कैसे हुआ और सिग्नलिंग कैसे हुई. लेट अस स्टार्ट विद दैट वेरी इंफॉर्मेशन ओवर हियर. इन ऑक्सिन सिग्नलिंग आई वुड लाइक टू मेंशन द मेन एक्टर और द मेन हीरो वर्सेस द विलन और द रिप्रेसर. नाउ द रिसेप्टर इन दिस केस इज कॉल्ड एज द TIR1 ओब्लिक AFP रिसेप्टर. यानी कि रिसेप्टर जो ऑक्सिन को रिसीव करेगा, ऑक्सिन का एंट्री प्लांट सेल में हो, ये फैसिलिटेट होता है एक रिसेप्टर प्रोटीन से जिसको नाम क्या दिया गया है, TIR1 AFP प्रोटीन. TIR1 की फुल फॉर्म ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेजिस्टेंट 1 होती है. आई रिपीट वंस अगेन, TIR1 का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रेजिस्टेंट 1 प्रोटीन. नाउ TIR1 AFP के लिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि एक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर है. आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में कि रिसेप्टर या तो मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है सेल के और किसी मॉलिक्यूल को रिसीव करें, या रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर हो सकते हैं. दे कैन बी प्रेजेंट विद इन अ सेल, नेवर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये जो रिसेप्टर है TIR1 AFP रिसेप्टर, इसका लोकेशन मेम्ब्रेन पर नहीं है. ये इनफैक्ट न्यूक्लियस के अंदर भी आपको मिल सकता है, न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल. इसका मतलब ये एक इंट्रासेल्युलर लोकेशन है. नाउ जितने भी रिसेप्टर, ये कोई अकेला प्रोटीन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैमिली ऑफ प्रोटीन्स है. ये तो सिर्फ एक मेंबर का नाम है. देर आर सेवरल ऑक्सिन रिसेप्टर्स विच आर क्लासिफाइड एज TIR1 AFP फैमिली ऑफ प्रोटीन. उनमें से जो सबसे पहला डिस्कवर हुआ उसका नाम था TIR1 सिस्टम और TIR1 AFP. सारे के सारे प्रोटीन ऑक्सिन बाइंडिंग एफबॉक्स प्रोटीन्स हैं. यानी कि वो रिसेप्टर ऑक्सिन को तो बाइंड कर ही सकते हैं, साथ में उनकी खुद की एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेस्ड प्रॉपर्टी है कि ऑल ऑफ देम आर एफबॉक्स प्रोटीन. आपको अभी थोड़ी देर में उसका सिग्निफिकेंस समझ आएगा. समटाइम्स, और जबकि आज भी हम फिगर बनाएंगे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में एंड सेवरल बुक्स, इट हैज बीन रिटन The TIR1 AFP has been given a new name. TIR1 AFP को एक special नाम भी दिया जाता है, SCF TIR1 AFP. Now यहाँ पर there is a new word, SCF का क्या मतलब हो सकता है, तभी हमें आगे mechanism समझ आएगा. SCF का मतलब यहाँ पर कहने का क्या कारण है, what is the main reason that we are using the word SCF? Because these receptors are FBOX components of SCF. ये जो TIR1 AFP proteins हैं, ये एफबॉक्स प्रोटीन है और एफबॉक्स कंपोनेंट भी किसके हैं, एक और प्रोटीन का जिसका नाम है SCF. SCF अपने आप में क्या है, ये दूसरा सवाल है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज SCF. सो SCF इज समथिंग जिसके अंदर एफबॉक्स कंपोनेंट प्रेजेंट है एंड ऑल दीज रिसेप्टर्स आर हैविंग दोज एबिलिटी. तो समटाइम्स हमने क्या बोला, SCF TIR1 AFP है. क्यों? बिकॉज दीज रिसेप्टर्स आर एफबॉक्स कंपोनेंट ऑफ SCF. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज SCF. SCF अपने आप में क्या है, E3 ubiquitin ligase. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि जब भी किसी प्रोटीन को डिग्रेडेशन के लिए तैयार किया जाता है, whenever any protein is prepared for degradation, there are addition of ubiquitin tags. उसमें ubiquitin tag जोड़े जाते हैं
और यूबिक्विटिन टैग डालने के बाद उन प्रोटीन्स को डिग्रेड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ 26S प्रोटीजोम। 26S प्रोटीजोम वो स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन के डिग्रेडेशन में मदद करता है, एंड 26S प्रोटीजोम तब तक किसी प्रोटीन को डिग्रेड नहीं करेंगे। लेट अस से प्रोटीन इज नॉट यूजफुल फॉर सेल और सेल वांट्स दैट प्रोटीन टू बी डिग्रेडेड। डिग्रेडेशन होने के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें क्या लगे होने चाहिए प्रोटीन में, यूबिक्विटिन टैग्स। तो यूबिक्विटिन टैग्स कौन ऐड करता है? एक एंजाइम जिसका नाम, कैटेगरी का नाम क्या है एंजाइम्स का? यूबिक्विटिन लाइगेज। उनमें भी कई कैटेगरीज होती हैं, E1, E2, E3, वो आप मॉल बायो में पढ़ेंगे। तो E3 टाइप की यूबिक्विटिन लाइगेज का एक एग्जांपल है SCF, और SCF के अंदर एफ बॉक्स कॉम्पोनेंट एक्टिविटी है और वो सारी प्रॉपर्टीज रिसेप्टर के पास भी है। मतलब ये मान लीजिए दैट रिसेप्टर एक तरीके से ऑक्सीजन को बाइंड भी कर सकता है, एंड इफ रिसेप्टर, दिस रिसेप्टर ऑफ ऑक्सीजन, ये किसी और प्रोटीन के कॉन्टैक्ट में जब आएगा उस प्रोटीन में यूबिक्विटिन टैग डालने की एबिलिटी भी रखता है, क्योंकि इसके पास यूबिक्विटिन लाइगेज एक्टिविटी भी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट, that what should be the repressor called as, right? I have written one information over here. So repressor of signaling ka naam bhi aapko bata deta hoon. Us repressor ka naam hai AUX-IA repressor. Koi full form yaad nahi karna hai, that is the only name. To receptor ka naam TIR1AFP, repressor ka naam AUX-IA repressor. Is information ke saath hum mechanism ki taraf aage badhte hain. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दैट मैकेनिज्म और एवरी हार्मोन मैकेनिज्म शुड बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, कि बिना हार्मोन के क्या हो रहा है, यानी इन एब्सेंस ऑफ हार्मोन एंड इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन क्या हुआ। मोस्ट ऑफ द सिग्नलिंग मैकेनिज्म में जब हार्मोन नहीं है, सेल में नहीं हार्मोन मिला है, तो सिग्नलिंग ऑफ है, और जब हार्मोन आया तो सिग्नलिंग स्टार्ट हो गई और रिस्पॉन्सेज दिखना शुरू हो गए। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दैट वॉट कुड पॉसिबली हैपन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब नहीं है तो उसके एब्सेंस में क्या चीज हो सकती है। When oxygen is not there, what I have shown a boundary, clear cut boundary of nucleus. मैंने आपको बताया कि receptor भी, अभी जब मैं आपको दिखाऊंगा वो nuclear receptor दिखाऊंगा, मतलब intracellular receptor है। तो problem क्या है कि nucleus में आपको पता है DNA present है, और DNA पर एक specific set of gene है जिनका नाम है oxygen response gene। यानी कि अगर ये जीन स्टार्ट हुए, इफ दीज जीन्स गेट स्टार्टेड, देन देयर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इन व्हाट, द ऑक्सीजन रिस्पॉन्सेज। सो ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जीन्स, एवरी जीन इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक प्रमोटर, हर जीन के साथ एक प्रमोटर एसोसिएट होता है। नाउ दैट प्रमोटर हैज बीन गिवन अ स्पेशल नेम कॉल्ड एज AUX-RE। उसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एलिमेंट। AUX-RE फुल फॉर्म इज ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एलिमेंट। दे आर व्हाट? प्रमोटर ऑफ ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जीन। सो आई हैव रिटन क्लियरली दैट AUX-RE स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एलिमेंट, एंड व्हाट आर दे? दे आर टाइप ऑफ व्हाट? प्रमोटर ऑफ ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जीन। ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। सेवरल टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम कि AUX-RE कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्व्ड सीक्वेंसेस। उसके अंदर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको हमेशा मिलेगी, दैट सीक्वेंस इज 5' to 3', यानी कि DNA के दो स्ट्रैंड है, एक 5' to 3', अदर 3' to 5'। द वन विच इज इन द ओरिएंटेशन ऑफ लेफ्ट टू राइट, 5' to 3', दैट शुड हैव अ कंजर्व्ड सीक्वेंस TGT-CTC। तो ये क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन एग्जाम। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट प्रमोटर मस्ट बी बाउंड बाय सर्टेन एक्टिवेटर टू इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का रेट बढ़ाने के लिए। तो ARF नाम है उस पर्टिकुलर एक्टिवेटर का। सो ARF की फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सीजन रिस्पॉन्स फैक्टर, एंड दिस ARF इज नथिंग बट एन एक्टिवेटर ऑफ सिग्नलिंग। ये क्या है आपका? एक प्रकार का एक्टिवेटर ऑफ सिग्नलिंग। तो ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जीन्स हैं, AUX-RE है जो उनका प्रमोटर है, प्रमोटर पर आपका एक्टिवेटर कॉल्ड एज ARF। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक विलन प्रेजेंट है। व्हेन द हार्मोन इज नॉट देयर इनसाइड द न्यूक्लियस, द एक्टिवेटर इज इनहिबिटेड बाय अ रिप्रेसर प्रोटीन कॉल्ड एज AUX-IA। सो व्हाट इज हैपनिंग? क्यों रिस्पॉन्सेज नहीं स्टार्ट हो रहे विदाउट ऑक्सीजन? व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट देयर इन अ सेल, AUX-IA क्या करता है? इट इनहिबिट्स द ARF, राइट? ARF अगर बंद है तो प्रमोटर भी बंद हो जाएगा, प्रमोटर बंद है तो देयर विल बी नो जीन ट्रांसक्रिप्शन एट ऑल। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, एंड इफ नो जीन ट्रांसक्रिप्शन एट ऑल, ऑक्सीजन सिग्नलिंग विल बी स्विच्ड ऑफ। यानी कि रिप्रेसर था, रिप्रेसर ने एक्टिवेटर को बंद किया, एक्टिवेटर ने प्रमोटर को बंद किया, यानी कि एक्टिवेटर बंद तो प्रमोटर भी इनएक्टिव, प्रमोटर इनएक्टिव तो नो ट्रांसक्रिप्शन। अब हमें समझना होगा इस लेक्चर का लास्ट पार्ट कि हो क्या सकता है जब ऑक्सीजन सेल में एंटर करेगा, व्हाट विल हैपन व्हेन ऑक्सीजन इज गोइंग टू एंटर इनटू द सेल। लेट मी शो यू दैट क्लियर कट फिगर एंड विल कंपाइल ऑफ दिस लेक्चर। सो नाउ द फिगर नंबर 2 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट विल हैपन
in presence of the oxygen. So what is going to happen in the presence of oxygen? So what we are saying over here is, the next set of figure, that is the last for this lecture, presence of oxygen में क्या होगा उस story को हमें यहाँ पर समझना होगा. ज़रा उस figure को clearly थोड़ा सा हम यहाँ पर एक better orientation में समझने की कोशिश करते हैं. आपने अभी सब ने थोड़ी देर पहले देखा था that there were certain genes called as the oxygen response genes, right? So there were certain genes called as oxygen response genes. ठीक है जी. और ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जीन्स जो भी हैं आपके, सो विद दी ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जीन, सो अलॉन्ग विद दी ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जीन यू आर हैविंग व्हाट द एसोसिएटेड ऑक्सारी, राइट. सो अलॉन्ग विद दी ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जीन हमने साथ में क्या लगा के दिखाया था, उसका प्रमोटर ऑक्सारी. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राइट. ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जीन्स हैं, साथ में लगा हुआ प्रमोटर था ऑक्सारी. ऑक्स आरी के साथ में हमने दिखाया था दैट देर वॉज अ एक्टिवेटर कॉल्ड एज एआरएफ. बट एआरएफ को कौन परेशान कर रहा था इस केस में? एआरएफ वॉज बीइंग ट्रबल्ड बाय द ऑक्स आईएए रिप्रेसर. ये अभी तक कहानी थी. ऑक्सीजन के आने से पहले ऑक्सीजन रिस्पॉन्स जीन्स का जो प्रमोटर है ऑक्स आरी, दैट वॉज ट्रबल्ड बिकॉज रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जो एक्टिवेटर था एआरएफ, that was inhibited by oxia, but story will change when oxygen will come into this scenario. So ab hum presence of oxygen ke bare mein dekh rahe hain. What I am trying to indicate over here is that now you will see that incoming of two things, right? Oxygen maan lijiye hamara ye molecule hai, this is the oxygen molecule, right? This is our oxygen molecule. Aur oxygen just receptor ke sath bind karke yahan tak pahunchega, so we can show it something like this. So we can show the oxygen molecule and we can show a receptor like this. Or is receptor ko main ek specific naam main aapke samne de chuka hu, that receptor has been previously named as SCF TIR1 AFB. Although ye iska complete name yahan par aapke samne likha hua hai, to humne bataya tha ki jo receptor hai that can also be written as SCF TIR1 AFB. And let us suppose that now is the entry of oxygen, right? So oxygen, जैसे ही plant cell में enter करता है, as soon as oxygen enter into the plant cell, it will be bound by its receptor called as SCF TIR1 AFB. Now, the next thing, next figure which I am going to make over here is कि अब आपको एक outgoing structure दिखाना होगा. क्या outgoing structure दिखाना है? अगली figure हमारे पास क्या है? बीच में oxygen बैठा हुआ है. We have central oxygen. We have this particular receptor which was bound to it, and the another important thing that we have over here is ki oxygen is now bound to the oxiaa, right? This is your repressor, this is your repressor, and this is your receptor. आपको एक बात समझ आनी चाहिए यहाँ पर कि ऑक्सीजन जब अपने रिसेप्टर के साथ आया, राइट, ऑक्सीजन है सेंट्रल ब्लैक सर्कल, दिस इज रिसेप्टर. इन दोनों ने मिलके दी टीम ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स रिसेप्टर, दे वेंट टू दिस रिप्रेसर एंड रिमूव इट ऑफ, उसको एक्टिवेटर के ऊपर से हटा दिया. एक्टिवेटर के ऊपर से हटाते ही ये रिप्रेसर को साइड में लेके आए. व्हाट डिड आई टेल यू? मैंने आपको एक बात बोली थी कि रिसेप्टर में एक छुपा हुआ पावर है, ये एक प्रकार का यूबिक्विटिन लाइगेज भी, इट हैज ड्यूअल रोल. रिसेप्टर कैन रिकॉग्नाइज बाय कैन रिकॉग्नाइज ऑक्सीजन, एंड द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, रिसेप्टर इफ इट कम्स नियर टू एनी अदर प्रोटीन, उसमें वो क्या ऐड कर सकता है? यूबिक्विटिन टैग्स ऐड कर सकता है. इसका मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ अफेक्ट ऑफ दिस रिसेप्टर ऑन दिस रिप्रेसर, यू विल हैव मल्टीपल एडिशंस ऑफ यूबिक्विटिन टैग्स. यहाँ पर हमारे पास क्या ऐड हो जाएंगे? यूबिक्विटिन टैग्स. मेरी बात आपको समझनी होगी दैट ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल मीडिएटर. ऑक्सीजन नहीं हो तो रिसेप्टर कुछ नहीं कर सकता ऑक्सीआईए को. ध्यान से समझिए, विदाउट ऑक्सीजन द ऑक्सीआईए रिप्रेसर कैन नॉट बी ट्रबल्ड बाय द रिसेप्टर. रिसेप्टर कैन ओनली एड इफ दिस रिप्रेसर कम्स नियर, और रिप्रेसर को कौन पहचानता है? ऑक्सीजन. इसका मतलब ऑक्सीजन का एक खास रोल है. ऑक्सीजन कैन ऑल्सो इंटरैक्ट विद इट्स रिसेप्टर, एंड ऑक्सीजन कैन ऑल्सो रिकोगनाइज पार्ट्स ऑफ इट repressor of signaling. इसको क्या कहा जाता है? This structure in molecular biology has also been given one special name,
What is the special name? This is also called as receptor repressor heterodimer. Receptor. So this is also known as what? The receptor repressor heterodimer. Heterodimer. I hope everybody understands इसका क्या मतलब है. Heterodimer मतलब dimer of two different things. What are two different things? Auxin जब तक बीच में है वो दो चीजों को अपने साथ जोड़ सकता है. एक है receptor, यानी कि auxin ये आपका TIR1 AFB receptor, और दूसरे end पर क्या जोड़ सकता है? Repressor. तो इसका मतलब क्या हुआ? Auxin का अपनी ही signaling में what is the role? It mediates receptor repressor heterodimer formation. Now the good news is once ubiquitin tags have been added, that protein will be finished off by what? 26S proteasome. So what we can show over here is, we can show the degraded protein like this, pieces of the protein, right? So this is what? Repressor degraded. This is repressor degraded. And the repressor has been degraded via what? 26S proteasome. I hope that makes sense to everyone. So repressor has been degraded by what? 26S proteasome. The story is clear. Auxin aaya apne receptor ke saath. Auxin receptor team, they removed the auxin A repressor. That is called as receptor repressor heterodimer. And when the receptor is near to this protein, usne usme kya add kiya? Ubiquitin tag. Once ubiquitin tags are added, that protein will be targeted for degradation by what? 26S proteasome. Now the villain is finished, the repressor is finished. Now this is going to be a very good news. So this will be a good news for what? ARF, right? Now the thing is clear, once this thing is being done, so let me make a figure for you. What we are saying is that we have the AuxRE. The thing is simple, AuxRE, jo ki promoter hai. We have the auxin response genes. Auxin response gene hai aapka. Uske upar ye aapka ARF hai. ARF ko koi khatra nahi hai. The ARF is not having any problem. So this is our ARF. Right. Now this ARF becomes active. ARF के साथ एक और ARF associate हो सकता है. This is called as dimer formation. Dimer formation. Once this dimer formation is done, so what is going to happen? Transcription is on. Transcription is on, and that's why we call as auxin response on. Your auxin signaling becomes on. I repeat once again what has happened over here. When the auxin A repressor was finished, this becomes a good news for ARF. ARF is now active. But ARF is not only one protein, there are thousands of copies of ARF. In order to initiate effective transcription, desired जो rate है transcription का वो achieve करने के लिए ARF का dimer बनना चाहिए. तो ARF के ऊपर से कौन खत्म हो गया? auxin A. This leaves space for another ARF. Right, so ARF का ARF आया तो ये क्या बना? Dimer. Now these two ARF have sufficient power so that they can start with the promoter activation. Promoter activation तो gene activation. Gene activation तो transcription on. Transcription on तो auxin signaling on. So that is all about the auxin responses. You can clearly understand the previous story and the story over here. और ये important point है कि dimer formation. So remember one thing, that ARF का dimer बनता है और auxin का अपने signaling में क्या role है? That without it, the heterodimer is not formed. जब तक receptor will not come near to the repressor, it cannot add ubiquitin tag. So इसीलिए auxin का क्या role हुआ? It mediates the receptor repressor heterodimer, and that's why we have clearly finished. When no auxin is there, no signaling. When auxin is there, signaling is there. See you soon in the next lecture. The next lecture will be about physiological responses of auxin, and that will be the last topic to finish off auxin. Thank you and have a good day. Thank you.